उठ गए हैं, उठे हम कब के हैं, बच्चों को हुई हैं छुट्टियाँ, इसलिए हम देर से बिस्तर में से बच्चों को लेके निकले हैं बाहर नाश्ता बनाने के लिए। और धुंध तो नहीं है हमारे विलेज में, आधे हो रहे हैं बादल, बहुत सारे बादल हो रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सबसे पहले चूल्हे पे से सफाई करते हैं, सफाई करके फिर नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पे हो रहा था गंद, कल बच्चों ने किया हुआ था चूल्हे पे, आग सेक रहे थे। तो अब सबसे पहले मैं इधर की सफाई करती हूँ, फिर बनाती हूँ नाश्ता। कहते हैं ना सफाई जो होती है वो हमारा ईमान होता है, सफाई साफ सुथरी करनी चाहिए। जाहिर बात है जहाँ पे वो कहते हैं ना डॉगी भी बैठता है, वो भी सफाई करके बैठता है, तो फिर हमारा खाना पकाने वाला चूल्हा, तो इसलिए सबसे पहले हम इधर की सफाई करते हैं, तो फिर हम नाश्ता बनाते हैं। सुबह सुबह भाई मकबूल आ गए हैं और ये लेके आए हैं साग, खाली साग है भाई, मेथी गाजरे भी हैं। अच्छा गाजरे भी हैं, मेथी भी और ये किन्नू है, किन्नू भी है। हाँ जी, ये जूस बनाने के लिए। हाँ जी, और आज तो भाई धुंध नहीं है। हाँ जी, धुंध नहीं है मगर सर्दी है। सर्दी है, बादल हो रहे हैं ना और ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी। तो पता नहीं अब ये कब मौसम साफ होगा, शायद आपको पता होगा मौसम कब साफ होगा भाई, ये दो दिन है और फिर साफ हो जाएगा मौसम। अच्छा फिर साफ हो जाएगा। हाँ जी, हम भी उठे हैं, अब हम उठे हुए तो हम सुबह के हैं था जुग के टाइम के, नमाज वगैरह हमने पढ़ी है, तो बच्चों को लेकर बिस्तर में बैठे हुए थे, तो अब निकले हैं चूल्हे की मैंने सफाई की, अब नाश्ता नुश्ता बनाने लगी हूँ मैं। और सुग्रा सिस्टर और ठीक है? हाँ जी ठीक है। और इनाम? इनाम भी ठीक है। तो सुग्रा सिस्टर ने लगाना नहीं था चक्कर? पता नहीं कह तो रहे थे आ जाएंगे। चलें फिर ठीक है, मैं फिर चाय बनाती हूँ, भाई को भी चाय देती हूँ पीने के लिए, और चूल्हे में आग जलाती हूँ, हाथ सेक लेना आप। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब काम कर लिया और सबको हमने नाश्ता भी करवा दिया, अब बारी आ गया हमारी दोनों बहनों के, तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं साग और नान। साग के साथ नान बहुत ही मजे से लग रहे हैं। सब चले गए हैं अहमद अली और अपने कामों पर चले गए हैं, और बच्चों को तो ऐसे ही छुट्टी हैं, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, बच्चे अपने खेल कूद में लगे हुए हैं। अब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर हम बर्तन धोते हैं। माटो जी, माटो की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए वो मेरी गोद में है। मामा जी धो रही हैं बर्तन। हाँ जी, सब हमने काम कर लिया, अब रह गए थे बर्तन, बर्तनों की बारी आ गई धोने की। बर्तन धोती हूँ, बर्तन धो के फिर देखते हैं और काम क्या है वो फिर करते हैं। और सूरज भी निकला है, बहुत मुश्किल से सूरज निकला हुआ है, अभी धूप तेज नहीं है, हल्की हल्की धूप है। और अब मैं धो लेती हूँ जल्दी से बर्तन, मिट्टू ने भी शोर मचाया हुआ है, और जो मिट्टू था वो चला गया अपने घर, क्योंकि जो मामू जी है ना उन्होंने मंगवा लिया, वो कहते हैं मिठू के बिना हमारा दिल नहीं लगता। तो अब बेचारा एक कल्ला रह गया मिठू, जो इब्राहिम ने पकड़ा था, अब उसने भी शोर मचाया होगा। मैं मिठू, मैं बर्तन धो के ना फिर देखती हूँ जो काम है वो करती हूँ जल्दी से, बस मैं बर्तन धो रही हूँ। मामा जी से टाइम में लगा लिया बर्तन। हाँ जी, बर्तन मैंने धो लिए, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे और सर्दी इतनी हो रही है, बर्तन धो नहीं डाले थे, ठंडा पानी था और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पतीले भी थे धोने वाले और पतीलियाँ भी थी, मैंने धो लिया बर्तन। बर्तनों को ना बर्तनों की जगह पर लगाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दरवाजे पर दरवाजे जल्दी से बर्तन लगाते हैं, फिर चूल्हे में आग जलाती हूँ, तो फिर समझ भी नहीं आ रही कैसे गुजारा होगा इस, क्योंकि हम शहर में रहते थे पुराने घर में, उधर तो नहीं सर्दी महसूस होती थी, उधर गैस होती थी तो आराम से दिन रात उधर चूल्हा जलता रहता था। पहली सर्दी है ना इस विलेज में, तो बहुत सर्दी है, इधर की सर्दी बर्दाश्त भी नहीं हो रही। अब जल्दी से बर्तन लगाते हैं, बर्तन लगा के मैं फिर चूल्हे में आग जलाती हूँ हाथ से। जो हमने भाई मकबूल के हाथ सामान मंगाया था वो भाई लेके आ गए थे, और शुक्रिया बाजी रख रही हैं चारपाई पे। हाँ जी, वो मैंने कहा ये ना चारपाई पे रखती हूँ, निकाल के देखते हैं भाई सामान जो भाई को हमने कहा था भाई ले आए, लेकिन भाई जब लेके आए भाई कह तो रहे थे भाई मैंने भाभी सारा सामान ले आए हो, मैंने कहा चलो ठीक है निकालते हैं, और ये जो साग वगैरह ना काट के रखते हैं। हाँ जी,
प्रिया बाजी ने गट्टू खोल लिया, अब हम सामान निकालते हैं। हाँ जी, मैंने ना भाई को कहा था पालक ना बड़ी वाली पालक लेके आनी है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी साफ हो जाती है। हाँ जी, ये तो ये भाई लेके आए देसी पालक जो छोटी होती है पालक। हाँ जी, ये देसी जो होती है ना ये बहुत अच्छी होती है। अच्छी तो होती है लेकिन ना इसमें टाइम लगता है। हाँ जी, टाइम तो लगता है। ये दो गुच्छी हो गया पालक की। हाँ जी, ये देखो अभी से सारा गंद हो गया। ये तो तीन है, हमने तो दो कहा था भाई को। हाँ जी भाई, तीन ले आए हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इस्तेमाल तो करनी है ना ज़रा। हाँ जी, और ये साग एक गुच्छी, दो गुच्छी, तीन गुच्छी, चार गुच्छी। चार गुच्छी ये होगी। और भाई मकबूल मुझे कहा था पालक की मैं दो गुच्छे लेके आया हूँ, साग की चार गुच्छे लेके आया हूँ, और एक ही ये निकल आई है साग की, पांच हो गई हैं ये तो। हाँ जी, पांच। और ये मेथी। हाँ जी, मेथी भी हम साग में अब के ना शामिल करेंगे। कहते हैं भाई मेथी डालने से ना साग का जायका ना बहुत अच्छा हो जाता है। और एक और ये पालक। बाथू नहीं लाए भाई? बाथू की जगह पर पालक आ गया। वो ना इधर विलेज में आलू लगे हुए हैं ना। हाँ जी, तो उधर से ना जैनब लेके आई है बाथू तोड़ के। हाँ जी, चलो वो डाल लेंगे। और ज़ारा ये तो आपका सामान है। अच्छा, ये गाजरे। हाँ जी, ये गाजरे आ गए हैं और ये माल्टे आ गए हैं। हाँ जी, वो मैंने भाई को कहा था ना, भाई मुझे चक्कर आते हैं, तो भाई कह रहे थे आपको ना फल वगैरह मंगा के दूंगा ना। हाँ, तो वो आप खाना तो ना फिर आपको चक्कर वगैरह ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन हाँ जी, लेकिन इब्राहिम कह रहा था नहीं, मैं भाई को कहूँगा भाई फल ना मंगा के देना, माल्टे और गाजरे मंगा के देना, तो जूस बना के पिएगी। हाँ जी, वो उसका ये कहने का मतलब था ये जो गाजरों का जूस होता है ना ज़ारा। हाँ जी, अच्छा होता है, ये खून भी बनाता है और अच्छा ताकतवर भी होता है। हाँ जी, तो इसलिए उसने इब्राहिम ने कहा था चलो अब आ गए हैं, माल्टे भी आ गए हैं। हाँ जी, गाजरे भी आ गई है, जूस बनाए खुद भी पिए और हमें भी पिलाए। हाँ जी, ये तो फिर मैं कल से बनाऊंगी जूस, आज नहीं। चलो ठीक है, ये मैंने कहा किन्नू देखो। हाँ जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, वो कल भी भाई मकबूल लेके आए थे, वो फ्लूटे थे। हाँ जी, ये किन्नू है, ये किन्नू है। हाँ जी, चलो फिर ये तो लगती है अभी इसी में गट्टू में। हाँ जी, जूस बनाएंगे और जब खाने होंगे धूप में बैठ के खा लेंगे। आज धूप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। भाई मकबूल सुबह कह रहे थे, मैंने भाई से पूछा मैं कहा भाई ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा, तो कहने लगे भाभी ये दो दिन तक ऐसा रहेगा मौसम। हाँ जी, फिर साफ हो जाएगा। अब अल्लाह का शुक्र है धूप निकल आई है, सर्दी जरा कुछ कम हो गई है। हाँ, इनको रखते हैं साइड पे, फिर साग वगैरह ना काटते हैं। चलो ठीक है, साग जो था हमने गुट्टू में से निकाल लिया और हमने साग के लिए उधर दरी भी बिछा लिया, ऊपर दुपट्टा भी बिछा लिया जिसके ऊपर हमने साग काटना है। और ज़ारा खड़ी है उठा के उधर रखने के लिए। फिज़ा भी कह रही है मम्मा जी मैं भी उठा के रखूँ। मैंने कहा चलो आप ना खाला भांजी दोनों जने ना उठा के उधर रख लें, मैं फिर मशीन लेके आती हूँ। हाँ जी, तो मशीन में फिर साग करते हैं। चलें, वेस नहीं लगाने। हाँ जी, अली अकबर। ज़ारा उठा के रखा ही है, दोबारा आ गया ज़ारा। मैं रखा ही हूँ, मैंने कहा दो अब ले जाती हूँ। हाँ जी, चलें ठीक है। और ये अब रह गया एक साग की गुच्छी और माल्टे गाजरें अभी इधर ही हैं। मैंने इधर रख दिया। हाँ जी, मैंने कहा मैंने इधर रख दिया। हाँ जी, सही है, क्योंकि हमने पालक की दो ही गुच्छियाँ वो करनी थी, हमने पालक की सिर्फ दो गुच्छियाँ रख ली हैं। हाँ जी, दो मैंने कहा वो भाई मकबूल या भाई शौकत वगैरह आएंगे ना। हाँ, तो उन्हें दे देंगे, चलो वो ना पका लेंगे। हाँ, आलू पालक बना लेंगे। हाँ जी, आलू पालक बना लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह साग भी फिर थोड़ा सा, पालक इतनी ज्यादा सारी हो जाएगी वो फिर ना ज्यादा का ही आएगा, फिर साग का नहीं आएगा, इसलिए फिर दो ही गुच्छे डालेंगे ना हम। हाँ जी, दो गुच्छे डालेंगे। चलें ठीक है, अब आप इधर बैठे तशरीफ रखें, मैं मशीन लेके आती हूँ अंदर से। चलें ठीक है, चलें ठीक है। मैं मशीन लेने आई थी, ये हमने इसमें गट्टू में डाल के रखी है ताकि ये खराब ना हो जाए, और लेके चलती खैर। और चिड़ियों ने भी बहुत शोर किया हुआ, ज़ारा और बैठ गए अपनी जगह पे। ये ज़ारा ये लो पकड़ो, ध्यान से हाथ में लग जाए। चलें ठीक है, इसे गट्टू में से निकालें, मैं मोबाइल रखती हूँ फिर आती हूँ। ठीक है,
माशाल्लाह से काट लिया है। 5 गुच्छियाँ थी, 5 में से हमने 3 गुच्छियाँ काट ली हैं, 2 गुच्छियाँ रह गया बताया पालक और मेथी रह गया। जल्दी से हम ये भी साफ काटते हैं, फिर पालक और जो वो मेथी है उसको भी साफ करते हैं, और जैनब बेटी जो बाथू लेके आई हुई है वो भी फिर हमने साफ करके उसको भी काटना है। और इसके ये जो हती है ना बार बार निकली जाती है तो इसको बार बार ऐसे कसना पड़ता है, फिर ये मशीन चलती है। मशीन का ना बहुत फ़ायदा है साग काटने का, ऐसे ना हाथ भी नहीं थकते, जल्दी जल्दी ना हमारा साग कट जाता है। ये ज़्यादा लगाती हुई जा रही है और मैं काट रही हूँ। साग हमारा कट चुका है, मेथी रह गई थी मेथी काट रहे हैं, मेथी के बाद फिर ज़्यादा पालक साफ कर रही है, पालक भी हम मशीन में लगाएंगे। और मैं मशीन के अंदर मेथी लगा रही हूँ और जो पिज़्ज़ा बेटी है वो मशीन चला रही है, इसको बड़ा शौक है मशीन चलाने का, क्योंकि स्कूल से छुट्टी भी है, कहने लगी है मम्मा जी मैं मशीन चलाऊँगी, मैंने कहा चलो फिर आप चलाएँ मशीन और हम काट लेते हैं। साग हमने सारा काट लिया, ये जो मेथी है मेथी भी हमने काट ली है, अब रह गई है पालक, पालक के बाद फिर ये बाथू जो मल्लेदार बच्चे हैं ना वो लाए तोड़ के, उनको फिर हमने पैसे दिए चीज़ के, वो चीज़ लेने चले गए और फिर हमने ये बाथू साफ करना है पालक के बाद। जैसे ही हमारे पालक कट जाएगी फिर हम बाथू साफ करना शुरू हो जाएंगे। साग मेथी पालक हमने काट लिया, ज़ारा ने पिज़्ज़ा ने और मैंने, अब ज़ारा बाथू साफ़ करने लगी है, मैंने कहा चलो आप बाथू साफ़ करें, मैं ना फिर मशीन में लगा के ना काट लेते हैं। जैसे पिज़्ज़ा बेटी ने लगाया है और चला रही है तो ये ऐसा नहीं लगेगा, एक जना लगाता है तो उसको वजन देता है, चाहे साग हो चाहे पालक हो, फिर जाके मशीन चलती है। तो ज़ारा कितने की देर लगेगी इसमें बाथू में? 10 मिनट इसमें लग जाएंगे। हाँ जी चलें ठीक है, फिर मैं भी ना फिर लगती हूँ आपके साथ साफ करवाने के लिए, फिर एक ही दफ़ा ना ज़ारा मशीन में कर लेंगे। हाँ जी, क्यों ऐसे फिर जल्दी भी हो जाएगा, हम तीनों जने लगते हैं साफ करने पे। हाँ जी, साफ करने के बाद ना फिर एक साथ ही मशीन में फिर कर लेंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। हाँ जी चलें फिर ठीक है, मैं भी साथ आपके लगती हूँ। साग हमने सारा काट लिया था, साग पालक बाथू और मेथी हमने काट के इधर रख दी है। साग फिर हम शायद सुबह बनाएंगे।